हमारे पास निशात ग्रुप के फाउंडर और सीईओ मियां मंशा साहब मौजूद हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट टैक्स पेयर्स ऑफ द कंट्री, वन ऑफ द लीडिंग बिजनेसमैन ऑफ द कंट्री, जो कि इस हुकूमत की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का भी हिस्सा हैं। अस्सलाम वालेकुम मंशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर पहले तो बता दीजिए कि पिछले दो सालों में जो गैर यकीनी की सूरत हाल थी, लैक ऑफ डायरेक्शन था, वो एक बार फिर वही हो रहा है और सारे बिजनेसमैन और लोग कह रहे हैं कि आप एक इमरजेंसी नाफिस कर दें, इकोनॉमिक इमरजेंसी फरमा दीजिएगा, ऐसा करने की ज़रूरत है। आई थिंक बिल्कुल सही आपने कहा और इसमें जो मुझे लगता है कि कुछ इमरजेंसी एक्शन तो लेना पड़ेगा। और ये जो आज आप कह रही हैं कि 6 बिलियन के टैक्सेस लग गए, वन विल हैव टू गो इनटू द डिटेल्स उस पर कि वो क्या है। टू लिटिल टू लेट इट सीम्स, इट माइट बैंडेड सॉल्यूशन, या बट वी नीड टू चेंज द साइकी ऑफ द कंट्री आल्सो दैट वी आर डूइंग समथिंग। और इम्पोर्ट्स वैसे भी कम होंगी विद रुपी कमिंग टू 200 लेवल, तो ऑलवेज एक्सचेंज रेट अगर इस तरह इतनी तेज़ी से चेंज होगा तो इम्पोर्ट्स महंगी होंगी, जब महंगी होंगी तो उसके ऊपर टैक्स भी जो लगता है एक चीज़ पर, अगर 190 रुपए के डॉलर पर 20% लगता है तो 200 पर वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा उसके ऊपर। सो दीज आर जस्ट इश्यूज दैट द गवर्नमेंट नीड्स टू टैकल।